ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी चॉकलेट कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और चॉकलेट कपकेक बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/4 कप गुनगुना दूध और 1/4 चम्मच इसमें हम विनेगर डाल देंगे। विनेगर की जगह 2-3 ड्रॉप हम नींबू का जूस भी डाल सकते हैं अगर विनेगर नहीं है तो। इसको मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए दूध फट गया है इस तरह से। तो बिना दही का भी हम कपकेक बना सकते हैं या कोई केक भी बना सकते हैं। और इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर 1/2 कप और 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की जगह आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम केक के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें फिल्टर रख देंगे और 3/4 कप हम मैदा ले लिए हैं और ऊपर का जो एक भाग है इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच कोको पाउडर। तो ये पूरा 1 कप का मेजरमेंट हो जाएगा। मैदा कोको पाउडर को फिल्टर में डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे और जो भी वेस्ट आएगा इसको हटा देंगे। और एक बार ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका बैटर बना लेंगे। तो जो हम लिक्विड तैयार किए थे केक के लिए उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें हम 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किए हैं तो थोड़ा थोड़ा हम दूध डालेंगे क्योंकि इस पर अभी बैटर गाढ़ा है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसको घोल तैयार कर लेंगे। एकदम इसमें गुलठी नहीं रहना चाहिए। तो हमें कप केक के लिए एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है और एकदम एक ही डायरेक्शन में इसको हमें चलाना है विस्क को। तो यहाँ पर देखिए विस्क को हटा देंगे। अब हम छोटा स्पैचुला से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और केक के बटर को कट एंड फोल्ड के तरीके से हम छोटा स्पैचुला से एक ही डायरेक्शन में इसको हम चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रिबन कंसिस्टेंसी हो गया है यानी केक का बटर तैयार है। तो अब हम कप केक के मोल्ड में पेपर लाइनर को लगा देते हैं और इसमें हम बैटर को डालेंगे। तो हमें 1/2 ही बैटर डालना है। ध्यान रखना है कि ऊपर से 1/2 खाली हो क्योंकि केक ये फूलेगा तो पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए एक बराबर मात्रा में हम बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे सिलिकन मोल्ड हम लिए हैं, चाहे तो कोई भी मोल्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कप केक के बहुत सारे मोल्ड आते हैं तो आप ले सकते हैं और पेपर लाइनर लगा करके बैटर को डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए कप केक को थोड़ा सा हम टैप कर ले रहे हैं इस तरह से ताकि एयर निकल जाए और केक टिन में इसको हम डाल देंगे। तो इसमें अभी मेरे केक टिन में 5 आया है और 1 को हम अलग से कर लेंगे बेक। और प्री हीट कर लिए हम बर्तन पहले से, लो फ्लेम पर हम प्री हीट किए हैं। तो 10 से 12 मिनट के लिए हम प्री हीट किए थे। अब इसमें हम डाल देंगे कप केक्स को और इसको कवर करके 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। 25 से 30 मिनट के बाद कवर हटा कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कप केक एकदम बन करके तैयार हो गया है। तो इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लेते हैं। तो अब हम कप केक को मोल्ड से अलग कर लेंगे और बहुत ही परफेक्ट कप केक बन करके तैयार हुआ है। और चॉकलेट कप केक बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। आप इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं बना के या इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो क्रीम से हम कप केक के ऊपर इस तरह से रोज़ बना लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर बना लेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा अगर इस तरह से डेकोरेट करके उन्हें देते हैं तो। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आप क्रीम से इस तरह से सजा के दे सकते हैं या बच्चों का बर्थडे पार्टी है तो इस तरह से आप डेकोरेट करके उनको दे सकते हैं। आप इसको टूटी फ्रूटी या चॉको चिप से भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अपने पसंद के अनुसार आप कप केक्स को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको डेकोरेट किए हैं और ये बहुत ही सुंदर बना है। यहाँ पे देखिए कप केक हम सारे डेकोरेट कर लिए हैं, इसके ऊपर शुगर बॉल्स डाल देंगे तो ये और भी सुंदर लगता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आज की मेरी चॉकलेट कप केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।